और आज ना बहुत एक्साइटिंग चीज हुई है और इसी खुशी में हम खाएंगे मॉफ। देखो गुड न्यूज तो हमारे पास जो अभी बताया है और बैड न्यूज क्या। तो इसको मैं लगा दे रही हूँ। हाँ अच्छा लग रहा है। हाय हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम सब बहुत अच्छे हैं और मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल ट्रूली प्रियंका में। और ये सब क्या हो रहा है आप लोगों को पता है भाई, प्रिपरेशन हो रही है। आज हमारे फ्रेंड्स आ रहे हैं घर में जो कि हमारे नेबर हैं, तो हमने उन्हें बुलाया है अपने घर में डिनर में। और उनका डिनर हो जाता है 5:30 to 6:30 के बीच में, तो अभी दिन के 3 बजे ही हम लोग डिनर बना रहे हैं। और जनरली ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता है क्योंकि हम लोग करते हैं 8-9 बजे डिनर, तो मोस्टली सारे ही इंडियंस 8-9 बजे करते हैं। और जो इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं ना उनकी बात अलग है, वो लोग कर लेते हैं 7 o'clock, अदरवाइज मोस्टली सभी लोग 7-8 बजे करते हैं। तो मैं इसको रखती हूँ फटाफट। एक्साइटमेंट का लेवल बहुत हाई है और मुझे ना डेकोरेट करने में बहुत मजा आता है। आप लोग जानते हैं कुकिंग से ज्यादा मैं डेकोरेट करने में मजे कर ना, बहुत एक्साइटिंग चीज हुई है। दिनों से आप लोगों को बताना चाह रही थी पर आज मैं आपको बताऊंगी क्या बहुत एक्साइटिंग चीज हुई है। पहले मैं ना ये मॉफिन्स इसमें रख दूं और आप लोगों को भी मॉफिन खा लो दोस्तों। देखो कितना प्यारा लग रहा है ये, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। इसमें ऊपर मॉफिन्स रख लो, नीचे बिस्किट रख लो, अगर आप किसी को फ्रूट्स दे रहे तो फ्रूट्स रख लो। तो ये सर्विंग का बहुत ही अच्छा स्टाइल है, 2-3-4 कटोरे लगाने से अच्छा है एक में ही प्यारा सा रख लो। तो मैं क्या बता रही थी ना आप लोगों को कि मेरे साथ तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई है और मैं बहुत दिनों से आप लोगों को बताना चाह रही थी, और वो ये है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। आई एम सो सो हैप्पी। आप ये देख रहे हो, आई डोंट नो ये कितना विजिबल है। हाँ ये मायरा का अकाउंट है और ये मायरा के अकाउंट में वीडियो है। आई डोंट नो ये विजिबल है कि नहीं है। हाँ कि धूप बहुत तेज है। ये मायरा के अकाउंट का ये जो वीडियो है ना गाइस, ये वाला, इसमें 5,500 लाइक जा चुके हैं और 41,000 व्यूज जा चुके हैं। तो मायरा का ये अकाउंट है मयू एंड मम्मा, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मेरा भी अकाउंट है ट्रूली प्रियंका, के बाद जो ए है ना उसमें डबल ए है, प्रियंका मतलब डबल ए है लास्ट में, TRULY ट्रूली, और प्रियंका में डबल ए है लास्ट में। गाइस आई एम सो हैप्पी ना, आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये देख रहे हो आप, 41.3K। और इसी खुशी में हम खाएंगे मॉफिन्स। तो गाइस आप लोगों के लिए है ये मॉफिन्स और ये कुछ चॉकलेट चिप्स। और आज बहुत सनी वेदर हो गया एकदम से। तो यहाँ पे चल रही है हमारी मस्त वाली कुकिंग। तो हम लोगों ने ना गाइस क्या बनाया पता है आप लोगों को, ये मस्त बना हुआ है पाव भाजी का मसाला, मतलब ये भाजी बनी हुई है और इसके साथ हम लेके आए हैं कुछ पाव जो कि यहाँ रखे हुए हैं अभी फिलहाल के लिए फ्रिज के ऊपर। तो ये पाव है और ये भाजी है और ये राइस है और यहाँ पे बन रहा है जबरदस्त वाला पास्ता। और ना गाइस क्योंकि हमारे फ्रेंड्स डच हैं तो हम लोगों ने उनके लिए बनाया है ये जो भाजी, इसमें बिल्कुल भी नहीं है मिर्चा और नो एक्सेस नमक और ना ही इसमें ग्रीन और रेड चिलीज हैं। ये देख रहे हो कि गुलाब जामुन है, मस्त डिजर्ट में आज गुलाब जामुन खाए जाएंगे। न्यूज बता दो, गुड न्यूज बता दो लास्ट ब्लॉग में। बता दिया तुमने? मैंने बता दिया। क्या गुड न्यूज था? हमारे व्यूज आए थे ना। हाँ
इतनी पैकिंग की गाइस, इतनी पैकिंग की, 2-3 घंटा पैकिंग करने में लगता है, बच्चे के साथ तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। इतनी पैकिंग की और सब कैंसिल हो गया। बच्चों का गेम एरिया यहाँ पे ये मायरा की डॉल और मंकी बैठे हुए हैं। अच्छा ये तो है, अगर आपके कोई फ्रेंड आपके घर आ रहे हो ना, और जब आपका कल्चर डिफरेंट होता है ना तो समझ में नहीं आता है कि क्या करें क्या नहीं करें। तो हम लोगों ने ना सेफ साइड लिया है, ये लोग ब्रेड खाते हैं तो हमने पाव अरेंज कर लिया है, तो पाव हम बना लेंगे क्योंकि हमें बन मिलता है। और जो भाजी बनाई है ना उसमें हमने मिर्चा नमक ये सब चीज़ें बहुत ही लेस रखा है, और इवन मतलब मिर्चा तो नहीं ही डाली है, लेस क्या स्पाइसेस लेस रखे हैं। तो बहुत इन सब चीज़ों का ध्यान रखा है क्योंकि जो डच होते हैं या जो इंग्लिश लोग होते हैं ना वो इतना स्पाइसेस नहीं खा पाते। एक दिन तो मुझसे पूछ रही थी कि आप लोग अपने बच्चों को मिर्चा खाने की आदत कैसे डालते हैं तो बच्चे कहाँ मिर्चा खाते हैं हमारे, उनको लगता है ना कि बच्चे भी मिर्चा खाते हैं। तो सब चीज़ें हैं, कल्चर थोड़ा डिफरेंट है तो कल्चरल शॉक्स तो रहते ही है एक दूसरे के लिए। पास्ता भी बन रहा है और पास्ता में तो बिल्कुल भी मिर्चा नहीं डाल रहे क्योंकि वो किड्स के लिए बन रहा है ना, तो उसमें लेस मसाला, और कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ सॉसेस के साथ उसको बनाए और ज़बरदस्त बनाए, और रायता भी बनेगा ही। और मैंने क्या सोचा है ना, स्टार्टर भी ज़बरदस्त रखूँगी, अपने इंडियन समोसे खिलाऊँगी। भाई समोसे खाएंगे तो पता चलेगा ना कि इंडियन खाना कैसा होता है, और यहाँ के जो समोसे हैं ना उनमें भी नमक मिर्चा बिल्कुल लेस होता है। मिर्चा तो नहीं होता है, वो मसालों की वजह से थोड़ा सा इन लोगों को स्पाइसी लगने लगता है, अदरवाइज तो मिर्चा यहाँ पे होता ही नहीं। और आज ना वेदर बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो रहा है, अभी मॉर्निंग में पानी बरस रहा था, फिर शाम हुई मतलब जब दिन हुआ तो धूप आ गई। अभी मैं आपसे बात करूँ ना, अभी ज़बरदस्त धूप आ रखी है, और इसी रिकॉर्डिंग के बीच में अभी फिर से धूप चली गई है और बादल आ गए, मतलब पानी बरस रहा है, बादल लग रहे हैं, धूप आ रही है, सारे सीजन हम एक ही दिन में फील कर लेंगे आज के दिन। ओ माई गॉड, अब पानी, अभी आपने देखा कि यहाँ पे धूप आई हुई थी, और अब देखिए गाइस ये देखो जबरदस्त पानी बरस रहा है। अभी थोड़ी देर में धूप आई हुई थी और मैंने ना कपड़े सुखाने रखे हुए हैं। नहीं, काम तो अच्छा खासा हो जाता है घर में, अगर आप घर में हो, बच्चे देख रहे हो, ऐसा नहीं है कि घर में है तो काम नहीं है। मैंने दोनों लाइफ जी है, मैंने ऐसी लाइफ भी जी है कि मैं 16 घंटे अपने ऑफिस में काम करती थी, और आज मैं ऐसी लाइफ भी जी रही हूँ जब मैं ऑफिस में नहीं जा रही हूँ। पर हाँ गाइस, मैं ये बिल्कुल कहूँगी, हैट्स ऑफ टू दोज मॉम्स जो 2-2, 3-3 बच्चों का ध्यान रखती हैं, अगर वर्क नहीं भी जाती हैं तो भी बहुत ज़्यादा घर में काम हो जाता है, बहुत ज़्यादा होता है। बच्चे तो बिल्कुल, मैं तो एक बच्चे में देख रही हूँ ना, आज लेडी आ रही है वो 3 बच्चों को केयर करती है, यार दिस इज रियली ग्रेट। और ना गाइस, आई एम नॉट श्योर कि मैं उस टाइम कुछ रिकॉर्ड करूं कि नहीं करूं, बिकॉज वो हमारे यहाँ आ रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि उन्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कराया जाए, तो कोशिश करूंगी कि थोड़ा बहुत अगर रिकॉर्ड हो जाता है, अदरवाइज अगर नहीं रिकॉर्ड होता है ना प्लीज डोंट माइंड, बिकॉज अच्छा नहीं लगता है ना कोई फर्स्ट टाइम आ रहा है। ये इतना सारा पिटारा क्या निकाल रखा है इतने सारे पिटारा के निकाल रखा है, इतने सारे मग्स कप्स। अच्छा ये ना, ये देख रहे हो ये कितना सुंदर है, इसमें देखो ओवर फोटो आइसक्रीम, और मैं सोच रही हूँ गुलाब जामुन बच्चों को सर्व करें, क्या कहते हो? अच्छा गुलाब जामुन बोलेंगे कि रसगुल्ला बोलेंगे? अब डब्बे में तो गुलाब जामुन लिखा है। और ये देखो ये किड्स के लिए है भाई ये BPA प्रूफ है ये बच्चों के लिए, और ये बहुत सुंदर है यार। इसमें ना मुझे क्या अच्छा लगता है सबसे अच्छा, ये आइसक्रीम निकालने वाला, ये स्कूप देखो गाइस, ये देख रहे हैं ये स्कूप कितना सुंदर है। और बाउल, डिफरेंट कलर के इसमें बाउल्स हैं, ऐसे बच्चों के लिए आइसक्रीम सर्व करने के लिए, पिंक येलो डिफरेंट कलर के, और ये बहुत ही प्रिटी है, तो मैं इसमें सर्व करूंगी आज। इतने दिनों से लेके आई हूँ ना, तुम्हारी कुकिंग नहीं खत्म हुई अभी तक का? अभी बहुत चीजें बची हुई है, कुछ खत्म नहीं हुआ। ये देख रहे हो यहाँ पे पास्ता बन रहा है, और ये जो है ना ये रायते का है, और ये सैलेड, ये पाव भाजी, और ये सिजवान राइस के लिए राइस अभी बने हैं, उसके बाद इसमें बाकी चीजें की जाएंगी। ये हरी मिर्चा हमारे लिए है गाइस, हरी मिर्चा खा लो। मिर्ची मत खिलाओ सबको, गुलाब जामुन खिलाओ मीठा। आओ गाइस, मैं आप लोगों को गुलाब जामुन खिलाती हूँ। ये देखिए मेरे पति परमेश्वर ने आपको कहा है गुलाब जामुन खिलाने को, तो आप लोगों के लिए स्पेशल गुलाब जामुन। डिब्बा में खोल दो, ऐसे कैसे भी खाए बहुत से चलो बढ़िया। क्या बता रहे थे पता है आपको, नितिन क्या बताना चाह रहे थे? देखो गुड न्यूज तो हमारे पास क्या थी,
जो अभी बताया हमने कि 41.3K व्यूज आ चुके हैं मयू एंड मम्मा जो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है उसमें। और बैड न्यूज क्या थी गाइस, हमारी जर्मनी ट्रिप कैंसिल हो गई। हाँ यार, पूरे दिन पैकिंग करी बट अच्छा था क्योंकि पूरे दोनों दिन बारिश थी तो बारिश की वजह से बेसिकली हमारी ट्रिप कैंसिल हुई। अब बारिश में आप कहीं घूम नहीं सकते क्योंकि सबसे बड़ा रीजन तो ये है ना, बारिश में आप कहीं बाहर गए तो इंडिया में क्या है कि आप बाहर कहीं शॉप पे शेड्स में या कहीं पे तो आप बच जाओगे, बट यहाँ अगर बारिश हुई तो शेड्स और ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ नहीं अवेलेबल होता, भीग जाओगे पूरा। सही कह रहे हैं, कहीं कुछ नहीं। छोटा बेबी के साथ में तो बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, सब भीग जाए बच्चे के साथ तो बहुत डिफिकल्ट है कि आप ओपनली कहीं पे एक्सप्लोर कर सके और इतना पानी रहता है ना। तो फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया, सोचिए आप गाइस, सब कुछ बुक था, होटल बुक था, होटल कार सब कुछ, सब कुछ डिसाइडेड था, पूरा प्लान डन था, पैकिंग हो चुकी थी और लास्ट मोमेंट पे कैंसिल हो गया बिकॉज बहुत ही जबरदस्त वाली रेन दिखा रहा था जर्मनी में। और उन्हीं दो दिन, मतलब यहाँ पे वेदर इतना अनप्रेडिक्टेबल है ना, जैसे आज क्लाउडी दिखा रहा था, पानी भी बरस रहा है, धूप भी आ रही है, सब कुछ हो रहा है आज, बट यू नेवर नो कुछ भी हो जाए, किसी वक्त भी बारिश हो सकती है, धूप हो सकती है। तो पर गाइस हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको जर्मनी जरूर लेके जाएंगे, सब कुछ एक्सप्लोर कराएंगे, कैसे जाना है रूट के बारे में बताएंगे, कौन कौन से प्लेसेस एक्सप्लोर करनी चाहिए, वहां की मार्केट के बारे में बताएंगे और वहां जो स्कैम्स होते हैं उनके बारे में बताएंगे, है ना। और इस बार ये प्रोसेस ना नितिन कर रहा है तो ऑब्वियसली हो गया ही पूरा, ये अपने अपनी बातों का पक्का लड़का है भाई है? आपका पानी यहाँ पे रखा हुआ है, देख रहे हो यहाँ पे आपके प्ले एरिया में वाटर यहाँ पे है। ओके, व्हाट आर यू पीपल वॉचिंग, Yeah. और मायरा को ना गेम खिला के घर में मैं तुरंत पार्क लेके गई। मायरा, मायरा, यहाँ बच्चे इतना फन कर रहे हैं ना, सारी मॉम्स भी आ गई हैं बच्चों को लेके सब। कम हाय, बच्चों को लेके ना सारी मॉम्स पार्क में आ जाती है, पूरे दिन घर में रह के बच्चे बोर हो जाते हैं और विंटर्स स्टार्ट हो गई है तो घर में ना रहना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है बच्चों के साथ, ये लोगों को ना बहुत कुछ एक्सप्लोर करना होता है, बहुत ही क्यूरियस होते हैं। और यहाँ पे मायरा अपनी क्यूरियोसिटी दिखा रही है। कर रहे हो? ओ ओ, केयरफुल, यू नीड टू डू, यू कैन हैव सम टू डू। तो ना गाइस, फाइनली हम लोग फ्री हो चुके हैं, सारा घर का काम हो चुका है, सब लोग जा चुके हैं। और ना एक चीज बहुत अच्छी लगी कि उन लोगों को हमारी इंडियंस की हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी लगी। और वो लोग बता रहे थे कि उन्हें ऐसा लगता है कि इंडियंस बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी करते हैं। और मैंने जो डिफरेंसेस पाए ना कि उन्हें हमारे फूड में क्या अच्छा लगा, उन्हें हमारे फूड में जो वैरायटीज होती हैं, जो फ्लेवर होता है, जो फ्रेग्रेंस होता है और जो भाजियाँ होती है ना, बहुत पसंद है। हमने तो पाव भाजी ट्राई करवाई थी तो उन्हें बहुत मज़ा आया। इंडियन क्यूजींस तो वैसे भी वर्ल्ड फेमस है तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। और वो एकदम इन डेप्थ जाते हैं हर चीज़ की कि कैसी हैं, क्या है। और यहाँ पे जैसे कि डच फूड में है ना, डच और इंडियन फूड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इनके लिए ब्रेड और चीज़ी मील होते हैं, जो मोस्ट फेमस मील लोगों के हैं वो ब्रेड है, चीज़ है या स्ट्रूप वेफर्स है। स्ट्रूप वेफर एक वेफर टाइप का ही होता है, अंदर कुछ चॉकलेट्स होती है, यही सब इनके मेन मील्स होते हैं। चीज ज्यादा ये लोग लेते हैं पर हमारे उसमें इनको बहुत सारी वैरायटीज मिलती हैं, एन नंबर ऑफ चपातीज, रोटी, नान, वेजीज, दाल, तो वो सब इन्हें बहुत अच्छा लगता है। रायता जो हम लोग खिलाते हैं ना, मैंने वेजिटेबल रायता बनाया था तो इन्हें वो सॉसेस की तरह लगा पर इन्हें बहुत ही लेकर लगा, और लेकर का मतलब है लजीज बहुत ही डिलीशियस लगा इन्हें और बहुत अच्छा लगा हॉस्पिटैलिटी।
तो ओवरऑल बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा और उनके लिए बहुत ही अमेजिंग रहा। मैंने उन्हें गुलाब जामुन ट्राई कराए थे और गुलाब जामुन तो बहुत ही मस्त लगते हैं यहाँ के लोगों को। मैंने जो ऑब्जर्व किया ना कि थोड़ा सा कल्चरल डिफरेंस उन्हें लगा, हॉस्पिटैलिटी में कल्चरल डिफरेंस है। हम लोग बहुत ज़्यादा फूड सर्व करते हैं जैसे कि आदत होती है इंडियंस की, तो ये लोग खाते हैं क्वार्टर प्लेट, जितना क्वार्टर प्लेट होता है ना उतना ही इनका पेट में जगह होता है, तो ये लोग रात का मील लाइट ही लेते हैं और अमेजिंग ओवरऑल रहा। तो फ्रेंड्स, आज मुझे लगता है कि हमने काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर कर ली और होप आप लोगों को आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, बाय बाय।